1996 में प्रयागराज को दहलाने वाले जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में करवरिया भाइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया को जवाहर पंडित हत्याकांड में जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूर्व विधायक उदयभान करवरिया पैरोल पर 6 महीने से बाहर थे, अब उन्हें सरेंडर करके जेल जाना होगा। आखिर क्या था जवाहर पंडित हत्याकांड जिसे लेकर हाईकोर्ट ने प्रयागराज के दबंग और बाहुबली माने जाने वाले करवरिया भाइयों को जमानत देने से इनकार कर दिया। 13 अगस्त 1996 की शाम पैलेस सिनेमा के ठीक सामने एक सफेद मारुति 800 कार को अचानक एक वैन ने ओवरटेक करके रोका। मारुति की पिछली सीट पर सपा विधायक जवाहर यादव अपने सहयोगी कल्लन के साथ बैठे थे। ड्राइवर गुलाब यादव गाड़ी चला रहा था, पार्टी दफ्तर से जवाहर अपने घर की ओर जा रहे थे। वैन ने अचानक इस तरह रोका तो जवाहर थोड़ा घबराए और सतर्क हुए, लेकिन जब तक वो संभल पाते तब तक सारा मंजर गोलियों से थर्रा उठा। वैन से उतरने वालों ने जवाहर पंडित का नाम लेते हुए ललकारा और AK-47, दोनाली बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर और पिस्टल से बेहिसाब फायरिंग शुरू कर दी। बताते हैं कि 1996 में हत्याकांड के लिए करीब 8 से 10 लाख की सुपारी दी गई थी। जवाहर हत्याकांड में करवरिया भाई आरोपी बनाए गए। कपिल मुनि, उदय भान, सूरज भान, पिता मौला महाराज और रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी आरोपी बनाए गए। बंसी और पांचों को कभी इस मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में बंसी और पांचों को दूसरे मामले में एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। बहरहाल जब शूट आउट थमा तो सिविल लाइंस की सड़क पर पैलेस सिनेमा के सामने जवाहर पंडित का रक्त रंजित शरीर पड़ा था। पहली बार किसी विधायक को सरेआम मारा गया था और वो भी AK-47 से। इस हत्याकांड के आरोपी और करवरिया बंधुओं के पिता मौला महाराज की उसी साल कुछ समय बाद मौत हो गई। ये मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 23 साल तक चलता ही रहा। यूपी की राजनीति और खनन की दुनिया में हलचल पैदा करने वाले जवाहर हत्याकांड केस की सुनवाई भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बताते हैं कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए थे, जबकि आरोपी पक्ष यानी करवरिया बंधुओं को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष ने 156 गवाहों को अदालत में पेश किया था। 23 साल तक मामले की सुनवाई चली और 4 नवंबर 2019 को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148, 149 और क्रिमिनल लॉ की धारा 7 के तहत आजीवन कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने इस मामले में कई बार पैरोल ले चुके करवरिया भाइयों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। करवरिया बंधुओं की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ निचली अदालत ने करवरिया बंधुओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो वहीं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी है, यानी कि जमानत देने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। वहीं करवरिया बंधुओं में से कहा जाए तो उदयभान करवरिया तकरीबन 6 महीने से पेरोल पर बाहर है।